Good morning all of you. This is Mr. Pidget Aitken. So students, today we will discuss about chapter number 3, and this is from 9th class, from the book of Moment, and this is chapter number 3. So today it will be the first part of this lecture, and rest of things we will discuss later. So, the title of the story is Ishwaran the Storyteller. Okay. So, ye jo story hai, Ishwaran the Storyteller. So, this is chapter number 3 for 9th class from the book of Moment. Okay. So, students, aap jo class mein ho, mute rakho, ताकि आपको आवाज भी क्लियर सुनाई दे. सो दिस स्टोरी, ये स्टोरी हमको क्या कहता है, जैसे कि एक व्यक्ति है महेंद्र, उसके बारे में उसको जो स्टोरी सुनाया जाता है और उससे रिलेटेड है ये स्टोरी. वन नाइट महेंद्र वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ ए डार्क क्लाउडी फॉर्म. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक दिन महेंद्र रात को ऐसे उठ जाता है और एक डार्क क्लाउड फॉर्म को देखता है, तो अंदर ही अंदर उसको पसीना बहने लग जाता है. तो मन में सोचता है क्या ये ghost है. तो चलिए हम आगे की स्टोरी को देखते. The story was narrated to Ganesh by a young man. ये story जो है गणेश को एक young man के द्वारा narrated किया गया है, यानी कहा गया है. महेंद्र पाए ने, जो महेंद्र नाम से, he was junior supervisor in the firm which operates on hire supervisor वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स. तो महेंद्र जो है एक जूनियर सुपरवाइजर होता है, और वो जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन के काम होता है और उन कंस्ट्रक्शन साइटों पे जाकर के वो देखभाल करता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के काम होते हैं उनके साइट में, फैक्ट्रीज होता है, ब्रिजेस होता है, डैम्स होता है एंड सो ऑन. इस प्रकार से बहुत से हैं. Mahendra's job was to keep an eye on the activity at the work site. Mahendra का काम यही था कि जो भी कार्यक्रम साइट में होता है और उस कार्यक्रम के ऊपर अपनी नजर को रखना. He had a keep moving from place to place every now and then. As ordered by his head office. तो हेड ऑफिस उसको जिस तरह से दिशा निर्देश देता है, वैसे वो एक जगह से दूसरी जगह को क्या करता है, वो शिफ्ट हो जाता है. From a coal mining area to a railway bridge construction site. हो सकता है कि एक coal mining area से उसको शिफ्ट होकर के जाना पड़े कि railway bridge construction की तरफ को. From there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. तो हो सकता है फिर उसके बाद उसे और कहीं एक केमिकल जो प्लांट है वहां पे उसको जाना पड़ जाए. इस प्रकार से वो क्या करता है कि जगह जगह ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है. He was a bachelor और वो एक बैचलर थे. बैचलर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं होता है उसे बैचलर कहा जाता है. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift contrastant in the middle of the तो हर प्रकार की परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. जैसे कि यदि
और ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे बहुत ही कम सामान हो, कम सुविधा हो, ऐसा कोई सर्किट हाउस में अगर रहने की बात आए तो भी वो वहाँ पे रह सकता है। और साथ ही साथ अगर उसको जो पथरीली जगह पे टेंट लगा करके रहना हो तो भी वो वहाँ पे रह जाता था। बट वन असिस्ट ही हार्ट वाच इज कुक, उसके पास एक ही मतलब सहायक होता है जो है उसका कुक, जिसका नाम है ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अकॉम्पेनिंग वेयर एवर ही वाज पोस्टेड। तो कुक जो है एक विशेष सहयोगी है यहाँ का, और जहाँ कहीं भी उसको ट्रांसफर किया जाता है, महेंद्र को जहाँ कहीं भी ट्रांसफर किया जाता है और कुक ईश्वरन उनके साथ साथ ही जाता है। ही कुक्ड फॉर महेंद्र वॉश हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर्स एट नाइट। ईश्वरन क्या करता है और महेंद्र के लिए खाना बनाते हैं, उसका कपड़े वगैरह साफ होता है, और साथ ही साथ एक सहयोगी के रूप में उसके घर पर रहता है और रात को वो उसके साथ बातें भी करता है। ही कुड वेब आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनोकोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और उसके पास तो कहने के लिए बहुत सी कहानी होता है ना, भिन्न भिन्न विषय को लेकर के, भिन्न भिन्न विषय को लेकर के कहने के लिए उसके पास तो बहुत सारे कहानी होता है। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडिल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो सन विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। तो अगर वो कभी ऐसी जगह पर रह जाते हैं जहाँ पर आसपास में कोई सब्जी की दुकान नहीं होती, दूर दूर तक जाना पड़ता सब्जी के दुकान पे, तो ऐसे जगह पर वो क्या करता था, जो खालिस्तान होते तो वहाँ पे वेजिटेबल्स का जो वेजिटेबल्स उगाया करता था, और ये उसके लिए बहुत ही लाभ मतलब ये एक बहुत ही अच्छी कला उसके अंदर थी कि वो वेजिटेबल लगा लेता था तो उनके वहाँ पे सब्जियों की कमी नहीं होती थी। ही वुड मिराकुलसली कंज्योर अप द मोस्ट डेलिशियस डिशेस मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग द चिंग सीट सेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। तो बहुत ही जल्दी ही वो क्या कर सकता था और वेजिटेबल्स फ्रेश वेजिटेबल के द्वारा वो वेजिटेबल्स बना सकता था, मतलब करी बना सकता था, और उनके मालिक आने से पहले ही सब कुछ वो तैयार करके रखता है। तो अभी महिंद्रा का जो रूटीन है डेली वो क्या करता है उसको देखते हैं। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। जैसे महिंद्रा सुबह उठता है, उठने के बाद ब्रेकफास्ट करके वो क्या करता है, वो चला जाता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपनी कार्य चला जाता है, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और कुछ खाना बने हुए खाना को में लेकर वो चला जाता है। मीनवाइल ईश्वर वुड टाइड ऑफ द सेट वॉश द क्लोथ्स एंड हाफ लेचुरली बाथ पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड मचिंग ए प्रेयर कॉल्ड द वाइफ। जैसे वो चला जाता है जाने के बाद बाकी जो घर का काम होता है, जैसे घर को साफ सफाई करना, जहाँ पे वो रहते हैं उसको साफ सफाई करना, पानी सिर पे दूर दराज जगह से लेकर के पानी ला करके भरना, और बाद में प्रेयर वगैरह प्रार्थना वगैरह करना, ये सब काम करके पूरा दिन वो गुजार लेता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए व्हाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ। तो मतलब जैसे लंच के टाइम होता है तो लंच के टाइम होते होते कुछ किताब वगैरह पढ़ देता है। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ 100 ऑफ पेजेस। तो
तमिल थ्रिलर वाली जो किताब होती है उन किताबों को पढ़ लेता है। इट्स मेनिटेटिव ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव टू फ्लोरियस टू होल्ड ईश्वरन टू। तो ये स्टोरी सारा पढ़ता है, और ये स्टोरी सारा पढ़ करके, ये जो थ्रिलर वाली स्टोरी है सारा पढ़ करके वो दिमाग में याद भी रख लेता है। हाउ ऑन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर दैट ही रीड, कि तमिल ऑथर किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकता है और उसी को वो पढ़ता है। देन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट टू ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड द सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट। छोटा सा एक इंसिडेंट को लेता है और लेने के बाद उसको नारेट करता है और अपनी तरफ से उसमें वो एंडिंग भी करता है। कहने का मतलब ये है कि बुक को तो पढ़ता जरूर है लेकिन उसको एग्जैक्ट नकल नहीं करता, बल्कि वो उसी बुक में से कुछ ही एक छोटा सा खंड लेके नारेट करता है और अपना स्टोरी वहां पे जोड़ करके बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हार्ड सम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विच आई ग्रो सुइटेबली रीच द एंड्स आउट आउट इन ए आउट इन ए से सॉरी ड्रामेटिक गेस्चर। कहने का मतलब ये है कि जो वो पढ़ता है और उसको नकल नहीं करता बल्कि अपनी भाषा दे करके वो स्टोरी को नारेट करता है। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज एट अलोन। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बिजी बीस्ट लाइंग स्पायरल अक्रॉस द रोड। वो स्टोरी को इस प्रकार शुरू करता है कि मैं एक समय सड़क में जा रहा था तभी और कुछ चीजों को मैंने देखा है ना। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न टू गो बैक, और जैसे मैं सड़क में जा रहा था जब ऐसे कुछ दृश्य को देखा और मैं पीछे की तरफ जाने के लिए चाह रहा था, बट आज आई केम टू क्लोजर आई शो दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री। लेकिन मैंने जैसा और नजदीक आकर के देखा तो वो क्या था कि एक फॉलन ट्री था विद इट्स ड्राई स्प्रेड आउट, और उसका जो सूखे हुए ब्रांचेस से ये क्या हो रखा था, स्प्रेड आउट हो रखा था। महिंद्रा उड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स ऑन क्रिटिकल। तो इसी प्रकार से अपनी कनवास के अंदर महेंद्र जाता है और इससे स्टोरी सुनता है। द प्लेस आई केम फ्रॉम ए फेमस ऑफ टाइबर ईश्वरन उद्दीन। ईश्वरन अभी मैं ऐसे एक जगह से आता हूं करके स्टोरी को शुरू करता है। देर इज रिचली वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड, जो कि बहुत ही फॉरेस्ट से भरा हुआ, मतलब बहुत ही पेड़ों से भरा हुआ जंगल था। द लॉक्स आर हाउडेड ऑन टू लॉरिस बाय एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स का जो लॉरिस है, एलिफेंट्स का जो साउंड है, उसी के चलते ये पूरा जो आप मतलब जंगल है हाउल्ड हो रहा था। दे आर ह्यूज वेल फैट बीस्ट विच दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। ये एलिफेंट जो है ऐसे खाते थे वहां पे आकर के जंगल में कि ये माउंट जो है वो उनको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लंच इन टू द एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग द एलिफेंट। फिर उसके बाद वो स्टोरी को वो किसके ओर लेकर के आ जाता है, फॉरेस्ट से लेकर के ये एलिफेंट की तरफ को लेके आ जाता है। वन डे ऑस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टाइगर यार्ड एंड बिगन टू रोम अबाउट स्टम्बलिंग ऑन बुशेस और टेयरिंग ऑफ वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस।
at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. एक समय पर आता है ये जो एलिफेंट है ये आकर के क्या करता है कि बहुत सारे पेड़ों को तोड़ता है, बहुत सारे ब्रांचेस को तोड़ता है ना। तभी ये कहते हैं कि आपको पता है कि एलिफेंट जब मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, तब वो क्या करता है। इस तरह गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इमोशन ऑफ द मैड एलिफेंट। जैसे एक मैड एलिफेंट जो होता है और ऐसा अभिनय भी वो करके स्टोरी को सुनाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर कल हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।